2022 बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें। आज मैं आपको बताऊंगा 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए 3 टिप्स। और वीडियो लास्ट तक देखते रहो क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा जिस सीक्रेट फार्मूला को जान के और फॉलो करके आप भी बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं टिप नंबर वन, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए आपको डेली स्टडी करनी होगी, वो भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। प्लान के साथ पढ़ने से मेरा मतलब आपको एक स्टडी स्ट्रेटजी बना लेनी होगी। जैसे मैं डेली 6 आवर की स्टडी करूँगा और उसके अंदर भी आपको ये चूज़ कर लेना है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम्स देंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो पढ़ाई तो 10-10 घंटे की कर लेते हैं, बट ना तो उनका पढ़ाई पर कुछ फोकस होता है ना उनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, इसलिए उनका रिज़ल्ट 0 आता है। तो आपको एक प्रॉपर प्लान बना के चलना होगा और एक पूरे फोकस के साथ पढ़ना होगा। इसके बाद आती है हमारी टिप नंबर 2, रिवीजन। आपको अपनी स्टडी में रिवीजन को इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि रिवीजन करने से टॉपिक्स एंड आंसर्स आपको अच्छे से याद रहते हैं। टिप नंबर 3, आपका कोई भी चैप्टर कम्प्लीट होने के बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। वो क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड बुक की एक्सरसाइज से ले सकते हैं। अब देखते हैं सीक्रेट फार्मूला टू टॉप इन एवरी एग्ज़ाम। तो ये स्टडी फार्मूला कुछ इस तरीके से है, स्टडी प्लस रिवीजन प्लस सॉल्व क्वेश्चन पेपर इज इक्वल्स टू 95% मार्क्स। देखते हैं ये फार्मूला किस तरीके से काम करता है। यह फार्मूला कुछ इस तरीके से काम करता है, इस फार्मूला के अच्छे से समझते हैं। अगर आप डेली 6 आवर की स्टडी कर रहे हो फुल फोकस एंड प्लानिंग के साथ, और अगर आपको वो पढ़ा हुआ एग्ज़ाम तक याद ही ना रहे तो इस तरह पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा काम आता है रिवीजन। अच्छे से अपने स्टेप्स को फॉलो करके पढ़ भी लिया और पढ़ा हुआ याद भी कर लिया, बट अभी भी रेडी नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। बिकॉज जब बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखने की बारी आएंगी तब आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, बिकॉज आपने अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया है। इसके लिए हमारा काम आता है सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। सो स्टडी, रिविजन एंड सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, इस फार्मूला को फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए लाए कहाँ से, तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सलूशन, जो कि ये है कि मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 10th और 12th के लिए, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस लेफ्ट बॉक्स पर क्लिक करें, और अगर आप क्लास 12th में हैं तो इस राइट बॉक्स पर क्लिक करें।